बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन संवाद भवन के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विजय कृष्ण सिंह, कुलसचिव SC शर्मा व कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सहित अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने SC/ST वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने बताया, Thank you.
छात्राओं को माननीय कुलपति जी और मेरे द्वारा सम्मानित किया गया है। ये परंपरा है कि प्रतिवर्ष जयंती के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र मेधावी होते हैं, एमए गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जेआरएफ होते हैं, नेट होते हैं और पीएचडी उपाधि धारक होते हैं, उन सभी को हम एक एप्रिसिएशन मतलब उनके लिए प्रोत्साहन के लिए सर्टिफिकेट और एक प्रेरक साहित्य विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले इन लोगों से संबंधित जो किताबें हैं उनको एक उपहार स्वरूप इनको देते हैं कि जीवन में वो और ऊंचाइयों को छुएं इन महान व्यक्तित्वों के जीवन से प्रेरणा लेकर के। तो इसी के तहत ये सर्टिफिकेट वितरण भी माननीय कुलपति जी, कुल सचिव और हमारे संगठन के तरफ से जो है उनको सम्मानित किया गया। ये प्रतिवर्ष होता है। ये भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों, अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षक और कर्मचारियों का संगठन है जिसके बैनर तले प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई जाती है। और आज के इस जयंती में हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति जी हमारे मुख्य अतिथि थे और विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्राएँ, शहर के गणमान्य लोग, मीडिया के बंधु आए थे और ये कार्यक्रम लगभग जो है 2 घंटे चला और बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पावन जन्म दिवस के अवसर पर सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं दी और हम लोगों ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया कि ऐसे विश्व ज्ञान के धनी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस को हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया और उनका जो संदेश प्रेम और एकता का है मूलतः वो बहुत ज़रूरत है और भारत में इसको अपना करके और हम अधिक प्रगति कर सकते हैं। धन्यवाद।